वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ एंड आई टीच यू केमिस्ट्री एट दिस प्लेटफॉर्म। ये हमारा गेट एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस है जो कि कंपलसरी है एक्सेल कैंडिडेट्स के लिए। हमने अब तक सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, और हमने सेक्शन 2 भी स्टार्ट कर लिया है जिसके अंदर हमने कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी कर लिया है। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हमने अब तक कवर अप कर लिए हैं। हेयर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने ये टॉपिक्स अब तक नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले जाके इन्हें पढ़िए, और इस पर्टिकुलर लेक्चर को पढ़ने के लिए आपको ये दो टॉपिक्स कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को अच्छे से कवर अप करना है। तो लेट्स स्टार्टेड आवर न्यू टॉपिक, दैट इज पोलराइजेशन। सो बेसिकली पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? जब भी एक कैटायन एक पॉजिटिव आयन अप्रोच करता है एक एनायन को, एक नेगेटिव एनायन को, उसके पास पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड आ जाता है, या फिर वो एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है एनायन के पास। नेगेटिव चार्ज के पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उसे नेगेटिव आयन बोला जाता है। ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैटायन को अट्रैक्ट करता है। और इसी टाइम पे जो एनायन के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन का पॉजिटिव चार्ज रिपेल भी करता है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, टू पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स ईच अदर व्हाइल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट, दिस अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एंड द रिपेल्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, क्लाउड ऑफ एनायन इज बल्ज्ड और इलोंगेटेड टूवर्ड्स द कैटायन एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज पोलराइजेशन। आई रिपीट, इस कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो कि हो रहा है एक कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन की वजह से, जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरी ओर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एनायन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ बल्ज हो जाते हैं, कुछ थोड़े से चौड़े हो जाते हैं कैटायन की तरफ, और उसी इफेक्ट को कहा जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पावर क्या होती है? सो बेसिकली पोलराइजेशन पावर होती है किसी भी कैटायन या एनायन की किसी भी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को पोलराइज करने की, उसके पार्टिकुलर नेगेटिव चार्ज आयन की तरफ या फिर एनायन की तरफ, उसे कहा जाता है पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। एंड दिस व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी होती है किसी भी एनायन की एबिलिटी कि वो किसी कैटायन से कितना पोलराइज हो रहा है, कितना अफेक्ट हो रहा है। अगर पोलराइजेशन की बात की जाए तो पोलराइजेशन, अगर आपको पता है कि कोई एनायन कितना पोलराइज हो रहा है किसी कैटायन से, उसकी पावर आपको पता है, तो आप कोवेलेंट कैरेक्टर भी बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का। इसीलिए बोला गया पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन ऑफ एनायन कॉजेज सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आयंस, सो आयनिक बॉन्ड एक्वायर्स सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन की वजह से एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज आयंस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है मतलब उसके अंदर कुछ हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ही तभी होता है जबकि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इसीलिए ये जो पोलराइजेशन है, पोलराइज्ड एटम्स हैं, ये आयनिक होते हैं और इनके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड होता है पोलराइजेशन का, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जिसे सजेस्ट किया था फजान नाम के एक साइंटिस्ट ने। इसीलिए आयनिक बॉन्ड्स के अंदर आयनिक
कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए हमें कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन रूल्स को नाम दिया गया फजान्स रूल। और ये फजान्स रूल साइंटिस्ट फजान ने दिए थे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, मतलब कि फजान्स रूल क्या क्या थे जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर देखे गए। नंबर वन पॉइंट इज साइज ऑफ कैटायन। सो पोलराइजेशन ऑफ एनायन इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस, मतलब किसी भी एनायन किसी भी नेगेटिव चार्ज का पोलराइजेशन इंक्रीज होगा जब उसका साइज डिक्रीज होगा, उसके कैटायन का साइज डिक्रीज होगा। आपको पता है पोलराइजेशन हमेशा बिटवीन टू आयंस देखा जाएगा, बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस देखा जाएगा। सो बेसिकली पोलराइजेशन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। वन सेकेंड गाइज, यहाँ पे एन नहीं लिखा हुआ, कैटायन, ये कैटायन है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्रुप, जैसे ही आपने ग्रुप के अंदर देखा BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2, टॉप टू बॉटम जैसे ही आप भर रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज कैटायन का इंक्रीज हो रहा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होना चाहिए। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है मीन्स उसका आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली आपको पता चल गया होगा क्या रिलेशन है पोलराइजेशन का और साइज ऑफ कैटायन का। ग्रेटेस्ट द पोलराइजिंग पावर ऑफ Be+2 शोज इट्स मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे पोलराइजेशन पावर ज्यादा है क्योंकि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ एनायन, मतलब कि नेगेटिव चार्ज का साइज। जैसे ही नेगेटिव चार्ज का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। पोलराइजेशन का सिंपल मतलब है कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को देखना। अब आप देख रहे हैं ये आपको हैलोजन की एक सीरीज दी हुई है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, टॉप टू बॉटम भरने पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सॉरी साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही साइज इंक्रीज होगा एनायन का तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। पोलराइजेशन इंक्रीज होगा मतलब आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इसीलिए यहां लिखा हुआ है इफ द साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस फॉर अ गिवन कैटायन द कोवेलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। चार्ज ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, मतलब आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो आपको दिख रहा है NaCl, Na के पास प्लस चार्ज है, Mg के पास प्लस टू है, Al के पास प्लस थ्री है, Si के पास प्लस फोर है। जैसे ही चार्ज इंक्रीज हुआ, कैटायन के ऊपर चार्ज इंक्रीज हुआ, वैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, क्योंकि पोलराइजेशन का मतलब ही यही है कि आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है। तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया अलॉन्ग द पीरियड सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। नेक्स्ट यू हैव द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। अब आपको ये तो पता चल गया कि पोलराइजेशन हम कैसे निकालते हैं, हमको ऑर्डर पता चल चुका है कि पोलराइजेशन की मदद से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। सो बेसिकली पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन इज यूजुअली कॉल्ड इट्स आयनिक पोटेंशियल। कैटायन किसी भी पॉजिटिव आयन के ऊपर जितना भी पोलराइजेशन पावर है उसे कहा जाता है आयनिक पोटेंशियल या फिर उसकी चार्ज डेंसिटी। आयनिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, या फिर हम बोल सकते हैं आयनिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली पोलराइजेशन की मदद से हम ये देख सकते हैं कि कोवेलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर क्या है किसी भी मॉलिक्यूल का। सो ये जो आयनिक पोटेंशियल है ये आपका डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। जैसे ही आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और अगर आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है आपको पता है अलोंग द पीरियड मूव करने पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है। सो बेसिकली जैसे ही आप सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन यहाँ पे पहुंचे आपने देखा चार्ज इंक्रीज हो रहा है
और साइज डिक्रीज हो रहा है। और आपको पता है आयनिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन साइज, तो फाई भी इंक्रीज होगा क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा है और साइज डिक्रीज हो रहा है। और अगर फाई इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। एज यू कैन सी हियर, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। वहीं अगर बात की जाए इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, फाई डिक्रीजेस सो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। आपको ये ग्रुप दिख रहा है, लिथियम, सोडियम, RbKCS। आपको पता है अलोंग दी ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता है, चार्ज फिक्स है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा और फाई डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू लेस देन 2.2 गिवन है, तो आप क्लियरली टिक कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वो बेसिक ऑक्साइड है। अगर 2.2 से 3.2 के बीच में है तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब वो मेटल और नॉन मेटल की तरह, दोनों की तरह बिहेव करेगी। न्यूट्रल ऑक्साइड डजंट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, एग्जाम्पल H2O एंड CO। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम जो होता है वो हमेशा एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है, वो या तो मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है, इसीलिए वो एसिड के साथ भी बिहेव करेगा और बेस के साथ भी बिहेव करेगा। और अगर 3.2 से ज़्यादा है आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू, तो उसका मतलब है कि वो एसिडिक ऑक्साइड है। अब आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको गिवन होगा फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू आप देखेंगे तो डिक्रीज कर रहा होगा फाई, तो इसीलिए फाई अगर डिक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा होगा। आपको पता है 2.2 से कम वैल्यू अगर होगी तो वो बेसिक ऑक्साइड होगी। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल हैलाइड्स। अगर फाई की वैल्यू लेस देन 2.2 है, यहाँ पे आपको M जो दिख रहा है ये मेटल है, X जो है ये आपका हेलोजन है, तो अगर लेस देन 2.2 है तो आयनिक नेचर होगा, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर होगा। अगर फाई इक्वल्स टू 2.2 है तो वो कोवेलेंट नेचर शो करेगा और वो बैड कंडक्टर होगा। नेक्स्ट यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने की। मतलब जितना पॉजिटिव आयन छोटा होगा उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। जितनी ज़्यादा फाई की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ही ज़्यादा बनेगा। और अगर फाई की वैल्यू कम है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बनने की टेंडेंसी बिल्कुल ना के बराबर होगी। आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, उनका साइज काफ़ी छोटा होता है, इसलिए उनके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बनते। लेकिन उसके एग्जाम्पल है लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इनका साइज छोटा है लेकिन फिर भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना देते हैं। डी ब्लॉक मेटल्स का साइज काफी बड़ा होता है तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इजीली बना देंगे। नेक्स्ट यू हैव द कलर ऑफ कंपाउंड। मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर विल बी द कलर इंटेंसिटी। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितनी ज्यादा फाई की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कलर शो करेंगे। सो बेसिकली आपको दिख रहा है AgF, AgCl, AgBr, AgI। एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर बात हो रही है। आप ग्रुप के अंदर जैसे ही मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि फाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है इसलिए इन कंपाउंड्स की कलर की डेंसिटी, इन कंपाउंड्स की कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। AgF कलरलेस है, AgCl वाइट है, AgBr लाइट येलो हो गया और AgI येलो हो गया। नेक्स्ट यू हैव डायगनल रिलेशनशिप। सिंस द वैल्यू ऑफ फाई फॉर Be+2 इज ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर सेम ऑर्डर ऑफ दैट ऑफ डायगनली विद Al+3। आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर डायगनल रिलेशनशिप्स देखने को मिलता है, तो Be और Al के बीच में एक डायगनल रिलेशनशिप होता है क्योंकि उनके अंदर फाई की वैल्यू सेम होती है, हैंस हैव मैनी सिमिलर प्रॉपर्टीज। और अगर फाई की वैल्यू सेम है, आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो उनके पास कुछ हद तक उन प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। उसी तरीके से Li+ की
फाइव की वैल्यू एम जी प्लस टू के बराबर होती है, इसीलिए इनके पास भी डायगनल रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है. आई होप नाउ यू ऑल आर क्लियर्ड अबाउट पोलराइजेशन. आपको पता चल चुका है कि पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन किसने दिया था. सो बेसिकली पोलराइजेशन का मतलब ही यही था कि हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को ढूंढेंगे. और उसके कुछ रूल्स थे जिन्हें बताया गया था फजान ने, और वो रूल्स फजान्स रूल्स के नाम से जाने जाते थे. सो बेसिकली गाइस, आई होप नाउ यू ऑल आर क्लियर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन. नाउ इन केस इफ यू आर न्यू हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म नेम्ड गुरु मंत्रा शिक्षा का ग्रंथ, आई वुड सजेस्ट कि आप इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है गुरु मंत्र. यहाँ पे आपको सारे PDF और सारे नोट्स, आपके एग्जाम से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशंस, न्यू अपडेट्स सबसे पहले बताई जाती हैं. आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ. यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट फॉर फर्दर क्वारीज. यू कैन मेल अस ऑन tanejaneha official@gmail.com और आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है. थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो.